वेलकम बैक टू SS कोचिंग फ्रेंड्स। जो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वो करेंगे DSSSB में जो नया रिक्रूटमेंट आया इस साल का। तो ये जो नया रिक्रूटमेंट आया, इससे पहले जो आया था वो आया था JEE पोस्ट के लिए, और ये जो अब रिक्रूटमेंट आया है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 2/2019 है। तो जो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं आपकी, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे जिससे कि आपको इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसमें देखते हैं कि जो देखेंगे इस वैकेंसी में कि इसकी जो ओपनिंग डेट है अप्लाई करने की वो 31 जनवरी 2019 है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 5 मार्च 2019 है। तो इसमें अब हम देखेंगे पोस्ट डिपार्टमेंट और जो भी इसका गे पीरियड और कितनी वैकेंसीज़ है वो हम सब देखेंगे और सारी इसमें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें पोस्ट कोड आप देख लेंगे। अगर आप एलडीसी का फॉर्म भर रहे हो तो उसका आपका पोस्ट कोड है 8/19। सारी वैकेंसी इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी की हैं, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन बनेंगे आप उसमें अप्लाई कर लेंगे, और जो भी आपके डाउट है वो हम सब इस वीडियो में आपके सारे कवर करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, आप डिपार्टमेंट देखेंगे DPCC में ये सारी वैकेंसीज आई हैं, और जो वेलफेयर ऑफिसर की है यहाँ पर वैकेंसी वो सोशल वेलफेयर्स में आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबके इन्होंने ग्रेड पे दिए हुए हैं कि कितनी आपकी सैलरी बनेगी, और जो यहाँ पर वैकेंसीज़ है वो इन्होंने यहाँ पर आपकी सारी कैटेगरीज वाइज आपकी सेपरेट कर दी है। तो आपको फॉर्म भरने में इससे काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या हमारे काम की बातें हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की है DPCC डिपार्टमेंट में, इसका पोस्ट कोड है 8/19, और जो इसमें टोटल वैकेंसीज है वो 27 है। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो 12th मांगी है या फिर उसके कोई बराबर होनी चाहिए, इक्विवेलेंट, और जो इसमें टाइपिंग मांगी है इंग्लिश में 35 मांगी है और हिंदी में 30 words per minute मांगे हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ली जाएगी। एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी स्टेनोग्राफर की, वो भी DPCC डिपार्टमेंट में है। इसमें आपका 12th पास मांगा है, इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, टोटल पोस्ट इसमें 6 है, और जो इसमें आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी है वो मांगी है 80 word per minute, और जो आपको इसमें टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा इंग्लिश के लिए 40 word per minute दिए जाएंगे और हिंदी के लिए 35 word per minute दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें डिज़ायरेबल इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर मांगा है, ये डिज़ायरेबल हो जिन बच्चों पे होगा वो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। पे ग्रेड की बात अगर करें यहाँ पे इस पे स्केल की, तो यहाँ पर 2400 है, और इसमें भी जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो रहेगी 18 से 27, तो काफ़ी बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो वो है आपकी जूनियर लैब असिस्टेंट, इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 7 है, और इसमें आपका जो मांगा है इन्होंने 12th पास मांगा है साइंस से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में। अगर आपने जॉब की है 3 साल तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, नहीं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस से। जो इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने एक्सपीरियंस मांगी है एक्सपीरियंस के साथ, इफ़ 12th क्लास पास विद साइंस स्ट्रीम तो 3 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन लेबोरेटरी वर्क, जो अभी हमने आपको पहले बताया था सेम एज इट इज़ इन्होंने यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई करके दिया है कि अगर ऊपर आप ना ठीक से समझ पाओ तो नीचे जो होल नोटिफिकेशन पड़ता है वो यहाँ समझ जाए। तो अगर इसमें पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 1900 है, और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर भी 18 से 27 साल इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो है आपकी लीगल असिस्टेंट की, जिसमें कि आपकी टोटल पोस्ट 5 है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए आप लॉ से, आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ से, और 3 year का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने लीगल प्रैक्टिस की हुई हो, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 1 साल का आपका यहाँ पर लॉ में एक्सपीरियंस हो। इसका पे ग्रेड काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, यहाँ पर 4200 इसका गे पीरियड है, और यहाँ पर एज लिमिट जो है यहाँ पर इन्होंने 30 दी हुई है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 30 years की है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की हम बात करेंगे, जिन जो कि इन्होंने यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी हुई है इसमें, और
जो एक्सपीरियंस है इन्होंने यहाँ पे डिजाइबल किया हुआ है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपके पास साइंस से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी पे ग्रेड की बात करें यानी पे स्केल की, तो वो आपका 4200 है, यानी ये भी आपकी ग्रुप बी बी की वैकेंसीज है, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 30 ईयर्स इन्होंने दी हुई है। अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की यहाँ पर है, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, टोटल वैकेंसी 48 है। यहाँ पर जो इन्होंने डिग्री मांगी है वो या तो एनवायरमेंट से हो या सिविल से हो, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो एनवायरमेंट से या फिर सिविल से, और साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन दोनों में है आपका, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दे दी है, और ऑलरेडी एक्सपीरियंस में भी इन्होंने मांगा है कि एसेंशियल है, चाहिए ही चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये आपका एसेंशियल है, ये आपको चाहिए ही चाहिए इन लोगों के एक्सपीरियंस, ठीक है। तो चलिए, ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है और 4200 उसका पे ग्रेड है, और इसमें भी एज लिमिट जो है 30 आपको दी हुई है। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये वेलफेयर ऑफिसर की है, यानी प्रोबेशन ऑफिसर या फिर प्रिजनल वेलफेयर ऑफिसर, जो कि आपकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप देखेंगे 110 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और आपकी यहाँ पर मास्टर डिग्री की होनी चाहिए आपने सोशल वर्क से, या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स की हुई हो सोशोलॉजी से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपने इससे की हो। और यहाँ पर अगर देख लेते हैं, डिजायबल है, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे स्केल की बात कर लेते हैं, ये भी 4200 का पे स्केल पर है, और एज लिमिट यहाँ पर भी इन्होंने 30 दी हुई है। तो चलिए, ये तो पूरी होल क्वालिफिकेशन की, और कितनी वैकेंसी थी, क्या एज लिमिट है, और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, उन सब की हमने बात करी। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें, तो 100 रुपीज़ है यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए, और जो यहाँ पर फीस फ्री है वो है वुमेंस के लिए, SC ST के लिए, PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए, ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मोड क्या रहने वाला है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मोड जो आपका रहने वाला वो रहेगा Tier 1 और Tier 2, और स्किल टेस्ट, और उसके आगे जो इनके अगर किसी पोस्ट में कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, तो वो भी एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगी। तो जो एग्ज़ाम स्कीम है वो भी हम नीचे अभी सारा देखेंगे, तो आप देखेंगे कि Section 1 में यानी Tier 1 में आपका क्या क्या रहने वाला है। GA रहेगी, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, वो आप सारा यहाँ पर देख सकते हैं, आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप फिर इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है, अगर कुछ टेक्निकल होता है तो टेक्निकल एग्ज़ाम भी होगा, Tier 2 का भी इन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता ही दिया है, रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में यहाँ बताया हुआ है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो दिल्ली का हाई कोर्ट है वो इसे रिसॉल्व करेगा। आजकल काफ़ी बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते तो वो जल्दी से हाई कोर्ट या कोर्ट पहुँच जाते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, OBC वाले जो दिल्ली के होंगे उन्हें 3 साल का ये रिलैक्सेशन मिलेगा। ये स्पेस इन्होंने इसमें देखिए आप यहाँ पे शो कर दिया है, तो बाद में आप डाउट में ना रहें, जो दिल्ली के बच्चे होंगे OBC वाले उन्हें ही ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज का। तो आगे देखते हैं इसमें आपके लिए क्या इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने आपको, अब ये जो आपके डाउट रहते हैं अब यहाँ पर क्लियर होंगे, कि आप देखेंगे इसमें ये जो 8/19 और 9/19 ये जो पोस्ट कोड है ऊपर वाले LDC के SCNO के लिए, उसके लिए यहाँ पर 2 घंटे का टाइम रहेगा एग्ज़ाम का, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर ये जो अभी आपको मैंने बताए थे 5 सेक्शन रहने वाले हैं, GA
रीजनिंग और आपकी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सारे के सारे 40 नंबर के रहेंगे और 200 क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएंगे। जो आपकी आगे की पोस्ट कोड है, जो आपके आगे के पोस्ट कोड हैं 10/19, 11/19, 12/19, उनके लिए आपका यहाँ पर एज एट इज़ जो अभी ऊपर बताया वो सारा सिलेबस सेम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न, ऐसे जो आपके ये किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफाई किया हुआ था, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ऊपर, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पर 13/19 इसका टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 का एग्ज़ाम एज इट इज़ होने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि इसे आपके ये 20-20 मार्क्स से कर दिए जाएंगे, MCQ क्वेश्चन ही होंगे, और जो उसी में ही सेक्शन B भी होगा जो कि आपका 100 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। और जब इसका टायर 2 होगा वहाँ पे भी आपका अलग से पेपर होगा जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी और सब्जेक्ट से ही रिलेटेड वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके इसमें सब्जेक्टिव में रहेगा उसका 75% का वेटेज रहेगा, और जो इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा वो 25% का वेटेज आपका रहने वाला है। अगर 14/19 की यहाँ पर बात कर लेते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप देखेंगे रीजनिंग, GA, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये सब 20-20 नंबर के आएंगे और 20-20 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आप देख लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, इसमें जो मतलब इन्होंने सोशोलॉजी मांगा था उसी के ऊपर 200 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 200 मार्क्स के होंगे। तो ये फॉर्म को भरते हुए आपको काफ़ी ध्यान रखना है, और जो इसमें नेगेटिव है वो 1/4 की इसमें नेगेटिव होने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जनरल कैटेगरी है तो उसे 40% और OBC जो दिल्ली वाले उन्हें 35%, SC ST वालों को 30% लाना कंपलसरी है। तो चलिए इसमें आगे जो बात करेंगे हम वो ये करेंगे कि जो टायर 2 में ये बच्चे बुलाएंगे वो बुलाएंगे जो नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी बच्चा इसमें एलिजिबल हो रहा है वो अपना टाइम रहते ही इस वैकेंसी को फिल कर ले, अभी काफ़ी टाइम है, अभी ये वैकेंसीज आई ही है, तो जो भी इसमें एलिजिबल है वो सब इस फॉर्म को फिल कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे जिससे कि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।